राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, अनुपस्थित रहे सांसदों की लिस्ट मांगी। राजनीति को बेदाग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, बीजेपी कांग्रेस समेत 8 दलों पर ठोका जुर्माना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश में पिछले 7 दिनों में आए कोरोना के मामलों में आधे से ज्यादा केस केरल में दर्ज। बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ से राजनयिकों को वापस बुलाने का लिया फैसला, कल लौटेंगे राजनयिक। उज्ज्वला योजना 2 की पीएम मोदी ने की शुरुआत, प्रवासी मजदूरों को अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिल सकेगा गैस कनेक्शन। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के बालू अड्डे के पास रहने वाले लोगों का गंदे पानी की वजह से काफी बुरा हाल है। सीवर लाइन का पानी अब पीने वाले पानी में पहुंच चुका है और गंदा पानी पीने की वजह से मोहल्ले में करीब 40 लोग गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। बीमार होने वाले लोगों में से 20 मासूम बच्चे बताए जा रहे हैं। गंदे पानी के शिकार हुए 2 बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गंदे पानी की वजह से 2 बच्चों की मौत हो जाने के बाद अधिकारी अब भी नींद से जागे हैं। बाद में सीवर और नाले की सफाई अधिकारियों ने करवाई है। वहीं इस घटना से इलाके के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यहां पर पानी की समस्या पहले काफी ज्यादा बनी रहती थी और शिकायत के बाद भी अब किसी अधिकारी ने लोगों की परेशानी का हल नहीं निकाला है। ये जो हादसा हुआ ये दुखद है और इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। मुझे सुबह जैसे ही जानकारी मिली, मैं इसके लिए मैंने जांच के लिए आदेशित कर दिया है, जांच कराई जाएगी और उस पर देखा जाएगा कि उसमें क्या। वहीं कांग्रेस के सदस्यों ने वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालकर हल्ला बोला। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर विधानसभा वार पदयात्रा निकाली गई है। कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, दिन प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था व किसानों के मुद्दे पर भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान चलाया और प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेसी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हाथ में झंडियां लेकर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, ऑक्सीजन की कमी, ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर ये यात्रा निकाली है। नेताओं ने कहा है कि हमारा प्रदर्शन भारत के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। सरकार द्वारा थोपे गए कृषि कानूनों से किसान परेशान है और भ्रष्टाचार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लोगों को आवाज उठानी चाहिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको 4 जिलों से दिखा रहे हैं जहां पर अलीगढ़, सहारनपुर, मैनपुरी और शाहजहांपुर में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली है जहां पर भाजपा गद्दी छोड़ो का अभियान चलाया गया, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने हाथों में झंडी और बैनर लेकर सरकार का विरोध किया है। तो बता दें कि इस वक्त हम आपको 4 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलीगढ़, सहारनपुर, शाहजहांपुर और मैनपुरी से ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस ने रैली निकाली है। आपको बता दें कि लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है, जहां पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो बेहद ही गलत साबित हो रही हैं। ऐसे में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान करना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि भाजपा सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा पहुंचे। पुलवामा शहीद हुए कौशल कुमार रावत के घर पर जयंत चौधरी पहुंचे। शहीद कौशल कुमार रावत की प्रतिमा को उन्होंने नमन किया। शहीद के परिवार वालों ने उनसे मुलाकात की। जयंत चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वीरांगना ने बहुत ही साहस का परिचय दिया है। वीरांगना के साथ हुए अत्याचार से वीरांगना के मंसूबों का साफ तौर पर पता चलता है। शहीद के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। जैन जी, ऐसे मुझे ये आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और
अगर 7 दिन का टाइम है, 7 दिन तक अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक शहीद का दर्द देख के नहीं, जैसे उन्होंने मुझे थाने में पहुंचा दिया गया था, वो मेरी वीडियो देख के नहीं, और उसके चक्कर में परेशान हुए थे, इस चक्कर में वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक विकासवादी सोच को आगे रख कर जाएं, और पिछले 4.5 से 5 साल इस प्रदेश के युवा के लिए कठिन बीते हैं, किसान के लिए कठिन बीते हैं, उद्यमी और व्यापारी भी तंग और परेशान हैं। तो इसलिए सुशासन का इशू है, विकासवादी सोच है, और गठबंधन का स्वरूप हम बहुत जल्दी फैसला लेंगे। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने अलीगढ़ पहुंचकर पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ मुलाकात की, जहां वार्षिक निरीक्षण करने के लिए एडीजी राजीव कृष्ण शहर में पहुंचे थे। एडीजी राजीव कृष्ण ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वार्षिक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है, जिसमें तमाम विषयों पर शासनादेश के अनुसार निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं, अपराधियों की रोकथाम, जनता के शिकायतों का निस्तारण, विभागीय कार्यवाही, पुलिसकर्मी वेलफेयर की सुविधाएं दुरुस्त करने के मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में लापरवाही भी पाई गई है, जिसमें जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एसएसपी कलानिधि नथानी द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन लाइसेंस की जमकर तारीफ भी की गई। इन जनरल अलीगढ़ में जो व्यवस्थाएं हैं अपराध की रोकथाम की, जनता को उनके शिकायतों के निस्तारण की, विभागीय कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन, जो हमारे कर्मी हैं उनके वेलफेयर की यहाँ पर अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कुछ ऐसे अभियान जनपद अलीगढ़ द्वारा चलाए गए हैं जिनके बड़े सकारात्मक परिणाम निकले हैं, उनको हम पूरे जोन में और डीआई साहब रेंज में आगे इम्प्लीमेंट कराएंगे। कुछ मामलों में यहाँ पर लापरवाही कुछ कर्मियों की पाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र को राजस्थान आर्मी क्लर्क पोस्ट के फिजिकल टेस्ट में कामयाबी हासिल करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया है। जानकारी मिली कि एएमयू की मार्कशीट को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि जो बोर्ड की लिस्ट है उसमें एएमयू बोर्ड का नाम शामिल नहीं है। इस मामले पर यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि एक लड़का हमारे पास आया था, वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से भी मिला है। उसने आर्मी क्लर्क के फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर फिर भी नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है उस पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ, ये बात हमारी नोटिस में आया, बल्कि वो लड़का मिला भी था, एक पीएचडी का स्टूडेंट, उसके साथ आकर की मुलाकात भी किया था, और वो बता रहा था कि राजस्थान में उसने आर्मी में जो फिजिकल टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद में जो आगे प्रोसेस होना था तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए गया तो उन्होंने यहाँ के बोर्ड को कहा कि ये एमयू का बोर्ड जो औरैया में परिवहन विभाग में सही तरीके से काम हो सके और विभाग के काम की व्यवस्था को देखने के लिए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर विजय कुमार कार्यालय पहुंचे। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में मौजूद एआरटीओ अशोक कुमार और पीटीओ रेहाना बानो के साथ कर्मचारियों के काम की जानकारी ली गई। वहीं काम को चेक करने के बाद पीटीओ रेहाना बानो को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए, साथ ही लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही गई है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि विभाग में उनका ये रूट चेक है। औरैया में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी के महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंका गया था, ठीक उसी तरह से बीजेपी सरकार को भी इस देश की सत्ता से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेसियों का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आएगी। ये प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सारे लोगों पर किया जाता है, उनकी सरकार में जो बैठे हुए लोग भी हैं उनका भी ट्विटर बंद कराया गया था। ये सारी जो चीज़ें हैं जहां उनको वोट का लाभ होता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भी कोई भी वर्ग, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अपनी मांग मांगता है, अपनी बात कहता है, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है तो गद्दारों की श्रेणी में जा जाता है।
आम जनता तो परेशान है, पत्रकारों के ऊपर भी दबाव है। जहां पत्रकार सच्ची बात लिखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, जनता की बात रखना चाहते हैं, उन पत्रकारों की या तो हत्या करा दी गई है या उनके साथ मुकदमे लिख दिए गए हैं। आज वहीं देश में मानसूनी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं और जिन इलाकों में नदियां उफान पर हैं उन इलाकों का अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आजमगढ़ में डीएम के निर्देश पर घाघरा नदी के से हो रही कटान का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि नदी के पास काम करने के लिए करीब 200 लेबर काम पर लगवाए गए हैं। इसी के साथ जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि काम को समय रहते पूरा करा लिया जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल वर्तमान समय में गाजीपुर मठिया रिंग तटबंध पर घाघरा नदी के द्वारा कटान की जा रही है। ये कटान हमारी 27 जुलाई से ही शुरू हो रखी है और तब से हम लोग वहाँ पर बराबर फ्लड फाइटिंग कर रहे हैं और कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में ये बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में है और हम लोगों ने उसको कंट्रोल भी कर लिया है। इसी को देखने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने वहाँ पर निरीक्षण किया था, दौरा किया और सभी स्थितियों से बीते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों ने कई दिनों से प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फतेहपुर में ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी आपस में ही भिड़ते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर असलहे तान दिए। कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस धक्का मुक्की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर असलहों को चिन्हित कर निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मोदी पाकिस्तान को 11 दिनों में ध्वस्त करके भारत का हिस्सा बना सकते हैं तो कांग्रेस उनके इस फैसले में उनके साथ खड़ी है। वो आगे बढ़े और पाकिस्तान को शिकस्त दें, केवल जवानी बातें ना करें। साथ ही 81 हिंदू परिवारों के पलायन मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसी भारत छोड़ो आंदोलन का नतीजा जी, वो लोग जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर देशभक्ति का आंदोलन में शामिल नहीं थे, अंग्रेज के साथ खड़े जी। उस वक्त जब सीने फतेहपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी देवेश ने प्रदेश के लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है और फर्जी वेबसाइट बनाकर भी बदमाश ने कई लोगों को परेशान किया। फिलहाल बदमाश के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली इलाके में गांव के बाहर बने डिग्री कॉलेज के पीछे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद लोगों ने पुलिस को तत्काल मामले की सूचना दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी और मौके पर पहुंचे ग्रामीणों से पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अपना विद्यालय के अंदर सफाई कर रहा था, अमरूद की पत्ती कुछ कागज जंगले से मेका तो बदबू आई तो देखा लाश पड़ी थी, तो मैंने पुलिस वालों को सूचना दी। थाना कड़ाधाम अंतर्गत अलीपुर जीता चौकी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के पीछे धान के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अभी प्रथम दृष्टया उसका शरीर पानी में फूला हुआ है, तो सही से चोटों की भी जानकारी नहीं हो पा रही है। कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र में चौपाल में आए एपीओ की गाड़ी एक घर में घुस गई। छप्पर के घर में घुसने से घर में मौजूद 3 महिलाएं घायल हो गईं। कहा जा रहा है कि घटना के समय घायल महिलाओं का इलाज कराने आए एपीओ अरविंद कुशवाहा मौके से चलते बने। इसके बाद इलाके के लोगों ने मदद करते हुए घायल महिलाओं का इलाज करवाया और इस घटना से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। लखीमपुर खीरी के बहजम ब्लॉक प्रांगण में लगे विशालकाय आम का पेड़ अचानक गिरने से प्रधानपति सहित 3 लोग घायल हो गए। ब्लॉक परिसर में मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अचानक गिरे पेड़ की वजह से लोगों
के घायल होने के साथ कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार घायलों का इलाज जारी है। रायबरेली में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के बहेरवा गांव में बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर लोगों को बांधकर हजारों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने घर के पीछे से प्रवेश कर घर के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। मुंह पर टेप लगाकर तमंचे के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में बताया कि सोने चांदी के जेवरात, दो मोबाइल और 10,000 रुपए नकद लुटेरों ने पार कर दिए हैं। लूटे गए सामान की कीमत लगभग 5,00,000 रुपए आकी जा रही है। घटना के बाद कोतवाल विनोद सिंह ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। थाना ऊंचाहार पर कल रात्रि करीब 1 बजे 4 लोग एक घर में चोरी के उद्देश्य से घुसे थे। घर वालों के जाग जाने पर उन चोरों द्वारा घर वालों को बंधक बनाकर घर से 10,000 रुपये, कुछ मोबाइल फ़ोन व कुछ गहने वहां से चुरा लिए गए। इस संबंध में थाना ऊंचाहार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर। फतेहपुर के अमौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत डिगरुवा में महीनों से सफाई नहीं हो रही है। सफाई के नाम पर लाखों रुपए को हड़पा जा रहा है, जबकि सफाई का काम सिर्फ कागजों में ही हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां साफ सफाई नहीं होती है, बल्कि सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। गांव वालों का कहना है कि ग्राम प्रधान से कई बार सफाई को लेकर बात की गई है तो उनके द्वारा लगातार टाल मटोल कर इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी लोग सुधार होने के नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सफाई धरातल में तो नहीं दिखती, लेकिन प्रधान के द्वारा दिखाए गए कागजों में सफाई जरूर दिखाई देती है। इस संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क किया गया तो अधिकारी अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। जहां पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में उनके सपने पर पलीता लगाते हुए कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला मैनपुरी के विकास खंड घिरोर का देखने को बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन के कार्ड तो जरूर जारी कर दिए गए, लेकिन उन्हें कोरोना वैक्सीन की खुराक मुहैया नहीं कराई गई। आरोप यहां तक की है कि कार्ड जारी किए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन के नाम पर उन्हें देखने नहीं आया है। तो वहीं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीपी सिंह से इस पूरे मामले में बात की गई तो पता चला कि यह मामला उनको मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है। जांच के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और दोषियों पर अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। कोई सुविधा नहीं मिली, ये बोल रहे थे कि वैक्सीन लगवाओ या मत लगवाओ आपको कार्ड मिलेगा जो कि हमें अपनी खाना पूर्ति करनी है। ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा था? बिल्कुल। तो आपने उसका विरोध नहीं किया? मैंने बोला था तो फिर बोले कि अभी वैक्सीन है नहीं है, जब आएगी जब लगेगी। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े साइकिल सवार की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी है। हत्या के मामले में ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ इस वक्त खत्म हो चुका है और आए दिन कुछ न कुछ लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं। इसी के साथ लोगों ने अपील की है कि पुलिस अपराधियों पर तमाम कार्रवाई के काम करे। वहीं इस बार पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई। थाना क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर के सिकटिया गांव के पास में कच्चे रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इस सूचना पर हम लोग यहाँ घटनास्थल पर आए। तत्काल 7 टीमें निकाली गईं। उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान हो गई है। उसके घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर शराब की बोतल और 2-3 गिलास पाउच इत्यादि भी पाए गए हैं। वह व्यक्ति अपने गांव से दूर अपने किसी रिलेशन में। शाहजहांपुर में स्थित मेडिकल डिवाइस क्षेत्र की विख्यात कंपनी जी सर्जिविया लिमिटेड लगातार मेडिकल क्षेत्र में जो नित नए प्रयोग कर रही है, लेकिन जी सर्जिविया लिमिटेड के महाप्रबंध और निदेशक डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग मासूमों के लिए डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल शाहजहांपुर में ही रिहैबिलिटेशन सेंटर संचालित करते हैं।
जहां इन मासूमों को नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर किया जा रहा है। यही नहीं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में मासूम बच्चों की पढ़ाई और लिखाई समेत अत्याधुनिक मशीनों के जरिए उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए काम किए जा रहे हैं। जी सर्जीवियर लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल इसके अलावा भी नित नए प्रयोग कर मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और इस क्षेत्र में देश को विश्व पटल पर लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कई साल पहले हमने विकलांग बच्चों के लिए, जो खास तौर से मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके लिए हमने एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर स्टार्ट किया था। वो अभी भी चल रहा है। वहाँ पे मंदबुद्धि विकलांग बच्चों के को जीने के लायक बनाया जाता है, जिससे वे अपनी रोज की क्रियाओं को संपादन कर सकें। इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा आँख का अस्पताल मोहम्मदी में बनवाया है, जो कि जहाँ पर हमारी कोशिश है कि साल की 20,000 से 30,000 आँख की सर्जरीज हो सकें और एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह से चल सके। ये डॉक्टर श्राफ चैरिटेबल हॉस्पिटल है दरियागंज दिल्ली में, ये उसकी एक शाखा। बाढ़ के कहर से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सिर्फ पानी का सितम देखने को मिल रहा है। नदियों के किनारे रहने वाले लाखों लोग पानी के कोहराम से परेशान हैं। बारिश और बाढ़ से प्रशासन और सरकार की नाकामी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हर साल बाढ़ से हजारों घर जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पहले से तैयारियां नहीं की जाती। तो चलिए देखते हैं इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। मोहल्ला वासियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप अपने घर से बाहर निकले। एनडीआरएफ की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाए। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लाख रिक्वेस्ट है, कृपया सभी मोहल्लावासियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग अपनी मकान में ताला देकर अपने सुरक्षित स्थान पर जगह पधार लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि यहाँ हालात कैसे हैं। जहाँ तक नजरें जाती हैं, वहाँ बस पानी ही पानी नजर आता है। लोग परेशान हैं, डरे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। सबसे पहले ले चलते हैं आपको बलिया। यहाँ नदी का स्तर लोगों को डरा रहा है। नदियों की चाल ऐसी है मानो सब कुछ उसमें समा जाएगा। बलिया में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मुनादी कर सभी लोगों से घरों को खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जरा आप भी सुनिए कि आखिर चेतावनी कैसे जारी की जा रही है। आप लोग सभी लोग को मेरा नर्म निवेदन है कि अपनी मकान में ताला देकर अब बाहर निकल जाए, मेरा लार ये रिक्वेस्ट है। नहीं तो आप लोग जानिए, आप लोग का मकान भी, एक मकान अगर ढह जाएगा तो सारी मकान आप लोग का एकदम सर है, जान है तो जहान है। सुना आपने कि आखिर क्या चेतावनी जारी की गई है। आप घरों में ताला दे दें और बाहर आ जाएं, वरना बड़ी घटना घट सकती है। बाढ़ के काल से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। एसडीएम जुनेद अहमद ने कहा, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कुछ लोग घर से निकलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एसडीएम की माने तो कुछ लोग बस घरों में हैं और वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये चल रहा है, अभी लोग इतनी जल्दी रेडी नहीं हो रहे हैं यहाँ से मूव करने के लिए, तो उनको कन्वेंस किया जा रहा है कि यहाँ से मूव कर जाएं ताकि जो ख़तरा है वो कम हो जाए। यहाँ स्कूल है गवर्नमेंट GGIC है, उसमें वहाँ पे इनसे कन्वेंस किया जा रहा है कि वहाँ पे चले जाएं, बट ये लोग आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग और ट्राई करते हैं इनको कन्वेंस करने का कि लोग मूव कर जाएँ यहाँ से। बाढ़ से बचने के लिए घरों में कैद होना ठीक नहीं है। इलाकों में पानी इतना भरा है कि घरों में रहना सुरक्षित भी नहीं है। सरकार द्वारा बचाव एवं राहत कार्य जोरों शोरों से चलाया जा रहा है।
हमारे द्वारा एनडीआरएफ के अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का निर्देश मिला है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में लोग बाढ़ से घिर गए हैं, जिन्हें निकालने की जरूरत है। उनके निर्देश पर महिलाओं, पुरुष और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप अपने घर से बाहर निकले। एनडीआरएफ की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, कृपया सभी मोहल्ल वासियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग अपने मकान में ताला देकर अपने सुरक्षित स्थान पर जगह पधार लीजिए। तो बलिया से अभी आपने तस्वीरें देखी जहां पर बाढ़ के हालात इस वक्त गंभीर बने हुए हैं। लगातार टीमें वहां पर तैनात हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं, साथ ही लोगों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी भी लोग हैं जो डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और सिर्फ बलिया ही नहीं बाकी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की यही स्थिति बनी हुई है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं फतेहपुर, जहां की बाढ़ की स्थिति से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो देखिए हमारी फतेहपुर से ये खास रिपोर्ट। मोहल्ला वासियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप अपने घर से बाहर निकले। एनडीआरएफ की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, कृपया सभी मोहल्ल वासियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग अपने मकान में ताला देकर अपने सुरक्षित स्थान पर जगह पधार लीजिए। गांव में चलती नाव इस बात की तस्दीक दे रही है कि यहां यमुना नदी ने कैसे लोगों के जीवन पर असर डाला है। जिस गांव में कभी बच्चे खेला करते थे, बुजुर्गों की पंचायतें बैठा करती थी, आज वो गांव नदी में तब्दील दिखाई दे रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती इलाके के परसेड़ा और तपसौरा गांव की मुसीबत बढ़ा दी है। यहां अब तक कई परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, कई लोगों का आशियाना छिन गया है, बूढ़े बच्चे सब बेघर हो गए हैं। यहां पे कई घरों की तो बुरी हालत हो चुकी है, जिसमें करीब 100 घर के आसपास जो है वो पानी से भर चुके हैं, और कुछ घर तो ऐसे हैं करीब दर्जन से ऊपर होंगे ऐसे, कि जो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा गरीब भी है। ना तो उनको निकलने की कहीं पर जगह मिल रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और घर में अपने छत के ऊपर सामान रख करके लोग उल्टा सीधा जैसे हो पा रहा है उनसे वो व्यवस्था करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव की तस्वीर किसी नदी से कम नहीं दिखाई देती। यहां से सड़कें नदारद हैं, गलियां गायब हैं और घर पानी में डूबे हुए हैं। और तो और लोग भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ये मंजर इतना खौफनाक है कि कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। प्रधान का आरोप है कि यहां कोई भी ध्यान देने वाला नहीं, खुद की मदद आप खुद ही करिए, यानी सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है। प्रशासन की बात रही तो ना तो यहाँ पे सीएम साहब आ रहे हैं, ना तो डीएम महोदय आ रही है। दो दिन से मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि ये लोग आएंगे और यहाँ पे निरीक्षण करेंगे, कुछ ना कुछ आश्वासन देंगे लोगों का, तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा है। लोग रोजमर्रा की चीजें जो हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ना वो अपनी साग सब्जी ला पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनको आटा पिसाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। बिजली नहीं आ रही है, लोगों के आटा नहीं पिस रहे हैं, और इसके अलावा लोगों के जो घर गिर रहे हैं उनके सामने बड़ी भीषण समस्या है।
से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप अपने घर से बाहर निकले। एनडीआरएफ की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लाख रिक्वेस्ट है, कृपया। तो अभी आपने फतेहपुर की तस्वीरें देखी, जहां पर बाढ़ के हालातों को देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि वहां के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फतेहपुर में कई ऐसे गांव हैं जहां के प्रधानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी उनके हाल को जानने तक के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं हमीरपुर की, जहां के बाढ़ स्थितियों का हमारे रिपोर्टर ने जायजा लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमीरपुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहल्ला वासियों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि पानी बहुत तेज बढ़ रहा है, आप अपने घर से बाहर निकले। एनडीआरएफ की टीम आपके घर के पास पहुंची है, आप अब उसमें बैठकर सुरक्षित स्थान पर जाए। नहीं तो आप लोग समझिए, मेरा लाख रिक्वेस्ट है, कृपया सभी मोहल्लावासियों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप लोग अपनी मकान में ताला देकर अपने सुरक्षित स्थान पर जगह पधार लीजिए। तस्वीरें देख आप घबरा गए होंगे कि आखिर ये गांव है या फिर समुद्र, लेकिन आप घबराए नहीं, ये कोई समुद्र नदी या तालाब नहीं है, ये है हमीरपुर जो आज पानी पानी हो गया है। मुख्य सड़कों पर चेतावनी जारी की गई है कि आगे बाढ़ के कारण रास्ता अवरुद्ध है, कृपया आगे ना जाएं। जो ये तस्वीर देख लेगा वो भला आखिर आगे जाएगा ही क्यों। गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़कों का संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। टिकरौली के पास में पानी भरा हुआ है नदी में, इसमें पुल में, और यह नाव के द्वारा आवागमन होता है, लोग नाव से क्रॉस करके इस पार से उस पार जा रहे हैं। गांव के प्राथमिक स्कूल से लेकर गांव के मैदानों तक, खेत खलियानों तक सब पानी में लबालब डूबे हुए हैं, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। गांव में सिर्फ पानी का साया है और इस साये में सब कुछ समा चुका है। जहां एक तरफ ग्रामीणों को अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्रशासन अपनी आधी अधूरी तैयारियों को लेकर अपनी पीठ थपथपाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाढ़ को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। सबसे पहली चीज तो हमारा अलर्ट सिस्टम जो है बराबर काम कर रहा है। जब भी पानी मेरा माता टीला डैम से या वहाँ से कोटा बैराज से चलता है तो हमें सूचना मिलती है, उसी हिसाब से गांव में अनाउंस करा दिया जाता है कि कहीं पे कितना पानी बढ़ेगा। और अभी जो है जमुना में तो धीरे धीरे घटते क्रम में बढ़ रहा है, लेकिन बेतवा में थोड़ा पानी बढ़ा है तो शाम तक लगभग एक मीटर और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर बाढ़ की विनाश लीला से लोगों को कब राहत मिलती है, क्योंकि बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीण काफी परेशान और हताश दिखाई दे रहे हैं। किसानों की फसलों की भी बर्बादी हुई है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इनको राहत कब और कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बलिया से अखिलेश, फतेहपुर से अमरदीप और हमीरपुर से ब्रजेश की खास रिपोर्ट। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।